दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेकर आज ही के दिन दो बड़ी खबर यहां पर निकल कर आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों खबर शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। साथ ही साथ में यदि आपने टाटा मोटर्स के अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो किन लेवल्स का ध्यान रखते हुए आप टाटा मोटर्स के अंदर एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले चैनल पर यदि आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से भी आपको शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है। बात करें सबसे पहले टाटा मोटर्स के आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, तो टाटा मोटर्स का शेयर आज 348.40 रुपये पर ओपन हुआ और 352.90 रुपये का इसने हाई बनाया। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो लगभग 1.5% तक की गिरावट आज हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिली। हालांकि इसके पीछे की गिरावट के पीछे की जो वजह है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। उसके पहले अगर हम टाटा मोटर्स के डिलीवरेबल बेस काम और वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो टाटा मोटर्स की आज ही के दिन 2.92 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने सिर्फ 14 से 14.5% तक का काम हमें यहां पर डिलीवरेबल बेस में देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर टाटा मोटर्स के पीछे गिरावट की वजह बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपके सामने यहां पर शेयर मार्केट के चार्ट ओपन कर रखा है, जिसमें अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे, निफ्टी 50 को देखेंगे, निफ्टी बैंक को देखेंगे या फिर निफ्टी मिड कैप को देखेंगे, सभी आपको यहां से वीक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इनके पीछे की वजह भी आपको पता है, अडानी ग्रुप की तरफ से जो यहां पर रिसेंटली अपडेटेड रिपोर्ट निकल कर आई है, उसी के बाद से मार्केट भी यहाँ पर हमको प्रेशर में आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सभी शेयर्स के अंदर आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सेम एज इट इज टाटा मोटर्स के अंदर भी यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। चलिए चलते हैं सबसे पहली न्यूज़ की तरफ जो यहाँ पर टाटा मोटर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं 17 जून 2021 यानी कि आज ही की ये न्यूज़ है, जिसमें टाटा मोटर्स बोर्ड ने यहाँ पर अप्रूवल दे दी है। जो यहाँ पर 500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग कंपनी करने जा रही है उसे प्राइवेट प्लेसमेंट से यहाँ पर कंपनी फंड रेजिंग करेगी। साथ ही साथ में ये प्राइवेट प्लेसमेंट कौन होने वाला है, आइए वो भी मैं आपके साथ ऑफिशियल अपडेट शेयर कर देता हूँ। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं 16 जून 2021 का ये टाटा मोटर्स की तरफ से जो ऑफिशियल कॉरपोरेट एक्शंस निकल कर आई है, जो कि BSE और NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करी गई है, जिसमें आप सब्जेक्ट भी यहां पर देख सकते हैं, इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एग्रीगेटिंग 500 करोड़ ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। और वो प्राइवेट प्लेसमेंट कौन है उसका नाम भी यहां पर आप देख सकते हैं। अलॉटीज यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, इंटरेस्ट पेबल का परसेंटेज भी आप यहां पर देख सकते हैं, ऑफर साइज भी यहां पर मेंशन है और डिबेंचर्स की सीरीज भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से ये जो कूपन इशू करे गए हैं, उन कूपन की साइज, उनकी डेट, नंबर ऑफ डेज इन कूपन पीरियड, सारी चीज़ें आपके सामने यहां पर मेंशन है। तो यदि आप इन्हें नोट डाउन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने नॉलेज के लिए इन्हें यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर सारी अपडेट मैंने आपके सामने मेंशन कर रखी है। चलिए दोस्तों ये एक छोटी सी अपडेट्स थी आप सभी के लिए। अब चलते हैं टाटा मोटर्स के CEO की तरफ से जो यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। चलिए चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ जो यहाँ पर टाटा मोटर से रिलेटेड निकल कर आ रही है। टाटा मोटर कंसिडर्स फर्दर एक्सटेंशन ऑफ अप टू अ ईयर फॉर CEO विंटर बटशेक का, यहाँ पर जो CEO का पीरियड था उसे यहाँ पर टाटा मोटर्स ने कंसीडर करते हुए एक्सटेंड कर दिया है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इससे टाटा मोटर्स पर के इसकी शेयर प्राइस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि टाटा मोटर्स के CEO जो कि यहाँ पर गिंटर बटशेक से, उनके पीरियड्स में हमें टाटा मोटर्स के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और इसी के बीच में उनके पीरियड को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ और अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अभी तक हमें सिर्फ टाटा मोटर्स के जो CEO है उनका टाइम पीरियड बहुत कम रह गया है, लेकिन इसके बावजूद हमें टाटा मोटर्स की तरफ से यहाँ पर कोई नए CEO की चॉइस देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें इगोन जेनिडर का यहाँ पर नाम निकल कर आ रहा है, वो यहाँ पर कैंडिडेट हो सकते हैं CEO के पद के लिए, लेकिन कंपनी की तरफ से अभी तक फाइनल कोई अप्रूवल नहीं आई है, अभी सर्चिंग चल रही है। टाटा मोटर्स सेड इट डज नॉट कमेंट ऑन स्पेक्यूलेशन एंड देट इज द बोर्ड टू मेक
दिस डिसीजन। टाटा मोटर्स के लिए सीईओ के पद को सिलेक्ट करना हमेशा से एक चैलेंजिंग टास्क रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो टाटा मोटर्स से रिलेटेड यहाँ पर निकल कर आ रही है। टाटा मोटर्स जो कि राकेश झुनझुनवाला का एक फेवरेट स्टॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि अगर हम राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को एनालिसिस करें तो टाइटन के बाद में हमें यहाँ पर टाटा मोटर्स ही देखने को मिल रहा है, जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने इतने लॉन्ग समय तक अपने स्टेक को होल्ड करके रख रखा है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि राकेश झुनझुनवाला जो कि यहाँ पर बिग बुल कहे जाते हैं, उनके पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स के 1.3% स्टेक यहाँ पर टाटा मोटर्स का है। इन्हीं सब के बीच राकेश झुनझुनवाला भी टाटा मोटर्स को लेकर काफ़ी बुलिश हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है। साथ ही साथ ईयर 2025 तक तो आपको पूरी तरीके से टाटा मोटर्स के अंदर जो JLR का बिजनेस है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बेस्ड होता हुआ देखने को मिलने वाला है। तब इसकी शेयर प्राइस आपको 1000 रुपये तक भी देखने को मिल सकती है। और इन्हीं सबको देखते हुए रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पर टाटा मोटर्स को लेकर टारगेट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिए हैं। 405 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी टाटा मोटर्स को लेकर निकल कर आए हैं। लेकिन मार्केट अभी जिस प्रकार से वॉलेटिलिटी के मूड में देख रहा है, आगे भी कुछ 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको इस गिरावट का फ़ायदा कैसे उठाना है। साथ ही साथ क्वालिटी वाले स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और अपने एवरेज को यहाँ पर और बेटर कर सकते हैं। अगर हम टाटा मोटर्स के मोमेंटम को भी चेक करें तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अभी काफ़ी बुलिश मोमेंटम निकल कर आ रहे हैं, तो किसी प्रकार की यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ टाटा मोटर्स से रिलेटेड नहीं है। साथ ही साथ में शेयर्स अपने 52 वीक के हाई से लगभग 4.5% यहां पर नीचे ट्रेड कर रहा है और पिछले 1 महीने में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को लगभग 7.5% तक के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो हर गिरावट में टाटा मोटर्स अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए यहां पर खरा उतरा है। साथ ही साथ अगर हम टेक्निकल लेवल्स चेक करें, टेक्निकल रेटिंग चेक करें, तो वो भी यहां पर टाटा मोटर्स को लेकर काफी बुलिश हैं। इन्हीं सबके बीच में टाटा मोटर्स को लेकर कल के लिए ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आइए उन्हें भी एक बार के लिए जान लेते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल डेली बेसिस पर ट्रेडिंग के पर्पज से होते हैं, यानी कि इंट्राडे सेशन में जो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए रहते हैं। लॉन्ग टर्म में तो आपको किसी प्रकार का यहाँ पर पैनिक लेने की और यहाँ पर सपोर्ट लेवल की ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान जो टाटा मोटर्स के रेजिस्टेंस है, जिसमें पहला रेजिस्टेंस 354 रुपये का, दूसरा रेजिस्टेंस 359 रुपये का और तीसरा रेजिस्टेंस 362 रुपये का है। साथ ही साथ सपोर्ट लेवल की बात करी जाए, पहला सपोर्ट 346 रुपये का, दूसरा सपोर्ट 343 रुपये का और तीसरा सपोर्ट 338 रुपये का यहाँ से आपको लेकर चलना है। टाटा मोटर्स के अंदर वॉल्यूम बेस काम भी हमें एक यहाँ पर फ्लैट देखने को मिल रहा है, यानी कि डेली बेसिस पर हमें 3 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच में वॉल्यूम ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। और इसी के सामने अगर डिलीवरेबल बेस काम भी आप देखेंगे तो लगभग 12% से लेकर 20% के बीच में हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि एक एवरेज डिलीवरेबल बेस काम भी हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करिए। अभी किसी प्रकार से ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है तो आप यहाँ पर किसी प्रकार का पैनिक मत लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप टाटा मोटर्स को अपने पोर्टफोलियो में अपने डीमैट अकाउंट के अंदर ऐड करना चाहते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, तो डेफिनेटली आप इस करेक्शंस का, इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।